Hey guys, what up everybody? It's your boy Danish here and back again with a new video. Okay, so guys, मुझे बहुत वक्त से वीडियो बनाना था इस चीज़ को लेके कि how do I get ready? Because guys, बहुत लोग मुझे इस चीज़ को लेके questions करते हैं कि मैं कैसे तैयार होता हूँ, मेरा daily routine क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ. तो सिंपल बात है गाइस, मैंने सोचा इस चीज को लेके एक वीडियो करते हैं. मैं तुम्हें पांच आसान सी टिप दूंगा कि हाउ डू आई गेट रेडी. सो गाइस, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टिप्स की तरफ बढ़ते हैं. तो गाइस, आज की सबसे पहली टिप जो है वो ये है, मैं सोकर उठने के बाद क्या करता हूँ. सो गाइस, नॉर्मली मैं हर रोज सोकर उठने के बाद सबसे पहली चीज जो करता हूँ वो एक अच्छे फेस वॉश से अपना फेस वॉश करता हूँ. सोकर उठने के बाद सबसे पहली चीज, कोई भी एक अच्छा सा फेस वॉश ले लो एंड उससे अपनी कंप्लीट मतलब मसाज करके मल्टीफाई करके अपना पूरा ये कंप्लीट फेस वॉश करो अच्छे से. ये मेरी सबसे पहली चीज़ है सुबह उठने के बाद. फेस वॉश करने के बाद कम से कम सोकर उठने के बाद मैं एक लीटर पानी पीता हूँ. बिकॉज गाइस, पानी पीने के बाद हम एक्ने वगैरह ऐसी बहुत सी चीज़ है जिनसे बचते हैं. तो ये सेकंड टिप नहीं था, बट मैं तुम लोगों को अपनी तरफ से बता दिया कि तुम लोग पानी पी सकते हो कम से कम एक लीटर रोज सुबह उठने के बाद. ब्रेकफास्ट करने के पहले तुम्हें एक लीटर पानी पीना चाहिए फेस वॉश करने के बाद. सो वही ओके. सो गाइस, बढ़ते आज की सेकंड टिप की ओर. सेकंड टिप जो है वो है हेयर. सो गाइज, हमारे तैयार होने के अंदर दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो है हमारे हेयर. फिलहाल मेरे बालों के अंदर ऑलरेडी हीट प्रोटेक्टर और सीरम लगा हुआ है, तो मैं और कुछ अप्लाई नहीं करूँगा, बट मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि मैं इसे सेट कैसे करता हूँ कैसे नहीं. सो अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ एक शॉर्ट में दिखाऊंगा कि मैं अपने हेयर कैसे सेट करता हूँ कैसे नहीं. सो देखो, So guys, जैसे कि तुम लोगों ने देखा, मुझे मुश्किल से सिर्फ 5 मिनट लगे अपने बालों को सेट करने के लिए. ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे अपने बालों को सेट करने के लिए. बाल सेट करने के बाद फेस के ऊपर बहुत अलग लुक आता है. सो गाइस, रेडी होने के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने बालों को प्रॉपर सेट करना. सो बिकॉज बहुत लड़के होते हैं जो लोग सिर्फ बालों के पास हाथ फैलाते, बोले हम क्यों बनाए भाई, हम तो लड़के हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो ऐसे ही बाहर जाएंगे. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस. अगर तुम लोग सोचते हो कि तुम लड़के हो तो तुम बाल कैसे बना लोगे, तो ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है. सो वही, तो ये आज का दूसरा टिप था. अब हम बढ़ते हैं आज की तीसरी टिप की ओर. सो गाइस, आज का हमारा जो तीसरा टिप है वो है फेशियल हेयर. सो गाइस, जैसे ही तुम मुझे देख सकते हो, मैं हमेशा क्लीन शेव रखता हूँ. मैं क्लीन शेव इसलिए रखता हूँ बिकॉज मुझे प्रॉपर बियर्ड नहीं आती. तो गाइस, मैं तुम लोगों को दो ही चीज़ बोलूंगा. जिन लोगों को प्रॉपर बियर्ड आती है वो लोग अपनी बियर्ड अगर रख रहे हो तो लाइनअप में रखो, एंड जिन्हें नहीं आती तो क्लीन शेव रखे उसे. बिकॉज वो थोड़ी थोड़ी यहाँ वहाँ रख के मतलब नहीं है. एंड जो प्रॉपर मस्टैच रख रहे हो प्रॉपर मस्टैच रखे, बट अगर जिसको यहाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है तो डू वो लोग बिल्कुल भी ना रखे, वो लोग क्लीन शेव रखे. सो गाइस, मैं अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए जो रेजर यूज़ करता हुआ है जिलेट मैक्री टर्बो, जैसे तुम लोग देख सकते हो इसका पैकिंग वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है. गाइस, इसके अंदर शार्पर टर्बो कटिंग ब्लेड्स दिया हुआ है. इसकी प्रेशर एग्जिस्टिंग पाइवेट टेक्नोलॉजी इजी शेव के लिए, जैसे तुम लोग देख सकते हो इसकी पैकिंग वगैरह. सो गाइस, अभी हम एक छोटा सा वीडियो करेंगे जिसमें मैं तुम लोग को ये बताऊंगा मैं कैसे शेव करता हूँ कैसे नहीं, एंड ये कितना कम्फर्टेबल है एंड कितना ईजी है शेविंग के लिए. सो वही, सो चलो चलते हैं एंड देखते हैं. ओके, सो गाइस, आज की वीडियो में जो हम शेविंग जेल यूज करने वाले हैं वो जिलेट सेंसिटिव शेव जेल. Okay, so guys, the reason I'm using Gillette Mach3 Turbo is the three stronger than steel blades that last long, and the Mach3 design with spring mounted blade and the front pivot technology provides a comfortable shave with one stroke and no irritation. Look at this steel handle for comfort grip and aesthetic appeal. And guys, this front pivot technology gives you a comfortable shaving experience with lesser pressure on your skin. Advanced blade technology with anti-friction coating, advanced luber strip on blades for better skin conditioning, increased micro spins on blade for. ऑलराइट. सो गाइस, जैसे तुम लोग देख सकते हो मैंने तुम लोग के सामने शेव किया एंड कितना आसानी से एक स्ट्रोक के अंदर मेरा पूरा क्लीन शेव हो गया. सो वही, सो ये आज की थर्ड टिप थी. अब हम बढ़ते हैं आज की फोर्थ टिप की ओर. सो गाइस, आज की जो फोर्थ टिप है वो है परफ्यूम. सो गाइस, मैं पर्टिकुलर कोई एक ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, तुम लोग कोई भी परफ्यूम यूज़ कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है, एंड बाहर निकलने से पहले तुम्हें परफ्यूम यूज़ करना कंपलसरी है. सो परफ्यूम अपने दिमाग में बिठा लो, परफ्यूम बहुत ज़रूरी है. तो ये आज का फोर्थ टिप था. गाइस, बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बहुत अच्छे ड्रेसअप हो जाते हैं, बट वो लोग हमेशा एक चीज़ भूल जाते हैं, वो चीज़ है परफ्यूम. सो गाइस, तुम लोग कहीं पर भी जाओ, कहीं दूर जाओ,
कहीं कहीं पर भी जाओ, जॉब पर या कहीं दूर, तो अपने बैग के अंदर एक बॉडी स्प्रे कैरी करो ताकि तुम लोग ज़्यादा स्वेटी हो या कहीं पर कुछ हो तो तुम लोग बॉडी स्प्रे अपनी बॉडी पर मार सको। बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो लोग दस दस घंटे के लिए जॉब पर जाते हैं, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो कहीं वो लोग बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाते हैं, उनके कपड़े से स्मेल आती है। उस चीज़ से बचने के लिए तुम लोग एक बॉडी स्प्रे कैरी करो, ज़्यादा महंगा नहीं आता है डूड, 200-300, 200-250, 150 रुपये का आते हैं, तुम लोग वो कैरी कर सकते हो एंड तुम लोग वो यूज़ कर सकते हो जब भी तुम्हें ऐसा लगे। सो वही, सो ये आज का फोर्थ टिप था। सो गाइज, आज का हमारा पांचवा और लास्ट टिप जो है वो है शूज़। सो गाइज, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शूज़। धीरे की नज़र इस पर जाती है, पैरों पर, कि बंदे ने क्या पहना है और क्या नहीं, शूज़। सो गाइज, तुम लोग कितने भी अच्छे कपड़े पहनो, मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, तुम लोग कितने भी अच्छा ड्रेसअप हो जाओ, तुम लोग पार्टी में जाओ, तुम लोग कहीं भी जाओ, तुम लोग यहाँ वहाँ बाहर घूमने कहीं भी जाओ, गाइज शूज़ ज़रूरी है। आई मीन ऐसा नहीं तुम लोग कैजुअल के ऊपर फॉर्मल पहन रहे हो, फॉर्मल के ऊपर कैजुअल पहन रहे हो, डूड जो ड्रेसिंग मतलब जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसके हिसाब से तुम्हें शूज़ पहनने चाहिए एंड शूज़ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नज़र डायरेक्टली वहाँ पर जाती है, शूज़ ज़रूरी है। शूज़ से मेरा मतलब ये नहीं तुम लोग कोई भी फटे हुए शूज़ पहन लोगे, डूड तुम लोग कोई भी शूज़ पहनो नॉर्मल, बट वो क्लीन साफ शूज़ होने चाहिए। सो गाइस, शूज़ बहुत ज़रूरी है और साफ शूज़, ऐसे अंधे गंदे शूज़ नहीं डूड। सो गाइस, ये मैंने आसान सी पांच टिप तुम लोगों को दिए कि हाउ डू आई गेट रेडी, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो किया था। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को हेल्प करेगी एंड तुम्हें और कैसे कैसे वीडियो चाहिए कमेंट्स के अंदर बताओ, तो मैं वैसी वीडियो तुम लोगों के लिए बनाऊंगा। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेक्सी बेबी। जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाओ, अगर तुम लोग अभी तक फैम आर्मी ज्वाइन नहीं किया तो जाओ जाके ज्वाइन करो, तुम लोग अभी तक कर क्या रहे हो डूड। सो वही, जो वो सब फैम।